नमस्कार फोरसाइट्स टीवी में मैं शालिबार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। विश्व व्यापार संगठन में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने चीन के नेतृत्व वाले एक अहम प्रस्ताव को रोक दिया है। चीन ने इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन नाम से एक समझौता प्रस्ताव तैयार किया है। चीन के इस प्रस्ताव का भारत लगातार विरोध करता रहा है। भारत इससे पहले भी कई बार IFT के विरोध में आवाज उठाता रहा है। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत ने चीन की चाल को साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर मात दे दी है। दरअसल विश्व व्यापार संगठन में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने चीन के नेतृत्व वाले एक अहम प्रस्ताव को रोक लिया है। चीन ने इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट के नाम से एक समझौता प्रस्ताव तैयार किया था जिसमें दुनिया के 123 देश शामिल है, लेकिन अब यह संभावना कम है कि इसे सम्मेलन के अंतिम दस्तावेज में शामिल किया जाएगा। भारत ने चीन के फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट समझौता प्रस्ताव पर चिंताएं जताई थी। यह पहली बार नहीं है जब भारत ने IFD के विरोध में आवाज उठाई है। इससे पहले भारत ने दिसंबर 2023 में भी विश्व व्यापार संगठन की बैठक में इस प्रस्ताव को रोक दिया था। भारत का लगातार रुख समझौते के संभावित प्रभाव को लेकर उसकी चिंताओं को उजागर करता है। भारत चीन के प्रस्ताव पर लगातार विरोध जताता रहा है। भारत ने IFD के बारे में कई चिंताएं जताई है। भारत का तर्क है कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट व्यापार संगठन के दायरे से बाहर है। यह सीधे तौर पर व्यापार से जुड़ा मुद्दा नहीं है। दूसरा, भारत ने बताया कि IFD औपचारिक समझौते के मानदंडों को पूरा नहीं करता। इसे सभी WTO सदस्यों का सर्वसम्मति से समर्थन नहीं मिला है। इस प्रकार अनिवार्य सर्वसम्मति की कमी है। IFD को पहली बार साल 2017 में प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य निवेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और सीमा पार निवेश को सुविधाजनक बनाना है। हालांकि यह उन देशों के पक्ष में होने की आलोचनाओं को आकर्षित करता है जो भारी मात्रा में चीनी निवेश वाले देशों पर निर्भर है। अब भारत और दक्षिण अफ्रीका की आपत्ति के साथ IFD को WTO द्वारा अपने वर्तमान स्वरूप में अपनाए जाने की संभावना नहीं है। ताज़ातरीन खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।